गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल वैगाबॉन्ड अ ट्रैवल फॉर अ पर्पस। सो दोस्तों, अब तक आप लोगों ने देखा कि हमने जम्मू में काफ़ी सारे स्पॉट्स विजिट किए हैं, साइट सीइंग अपने मंदिर हमने दिखाए हैं। तो आप उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू टू सपोर्ट मी, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने यार दोस्तों और रिलेटिव्स में इसे शेयर कीजिए, ताकि लोग और इसे विजिट और ऐसी जगह विजिट करें और हमारे इंडियन टूरिज्म को सपोर्ट करें। तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सपोर्ट मी। अब आपको वीडियो आपको जर्नी के बारे में आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, रिपोर्टिंग फ्रॉम जम्मू। जैसे हम जानते हैं, इस समय हम जम्मू में हैं एंड आज हमारी दिन की शुरुआत तो जल्दी हुई है। तो ब्रेकफास्ट तो मैंने खा लिया है। तो अभी हम निकल रहे हैं एक यूनिक लोकेशन, आरएसपुरा बॉर्डर जिसे कहते हैं एंड जिसे सुचेतगढ़ बॉर्डर भी माना जाता है। वो जगह का नाम है अब सुचेतगढ़। सो ये जगह अभी जम्मू से अराउंड 30 किलोमीटर्स के आसपास है एंड यहाँ से व्हीकल अराउंड 45 मिनट्स तक आपको पहुँचा देती है आरएसपुरा। जैसे पहले तो आरएसपुरा बस स्टेशन आता है एंड वहाँ से थोड़ा और आगे जाएंगे तो बॉर्डर है। जम्मू से आपको बसेस मिल जाते हैं, जैसे काफ़ी फ्रिक्वेंट बसेस हैं टूअर्ड्स दिस आरएसपुरा बॉर्डर। सो दोस्तों, आज एक फ्राइडे है और यहाँ पर इस समय लॉकडाउन चल रहा है। फ्राइडे अराउंड 2 PM से संडे 6 AM तक इनका लॉकडाउन है। तो यदि आप लोग भी अपना कोई जर्नी इस तरह से प्लान कर रहे हो तो फ्राइडे सैटरडे संडे इस समय अवॉइड कीजिएगा, एटलीस्ट टिल मार्च तक ऐसे ही होगा, ऐसे मैंने मुझे जानकारी मिली है। तो आज मैं जल्दी निकल रहा हूँ एंड प्लान ये है कि आरएसपुरा बॉर्डर विज़िट करके तुरंत आ जाना है, बिफोर 2 PM पहुँच जाना है होटल में और उसके बाद मैं कहीं जा नहीं पाऊँगा। तो आपको होटल का आसपास में यहीं पे एक वीडियो आपको दिखा दूंगा मैं अबाउट कैसा ये होटल है एंड हाउ सराउंडिंग्स कैसे हैं इनके, ये सब बता दूंगा आपको। सो बेसिकली आरएसपुरा बॉर्डर, जिसे सुचेतगढ़ बॉर्डर भी कहते हैं, ये आरएसपुरा यानी कि रणवीर सिंह बुरा के नाम पे ये बॉर्डर जाना चाहते हैं एंड ये जम्मू सिटी से, जैसे मैंने आपको बताया, अराउंड 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है ये एंड इसको रफली अराउंड 45 मिनट्स पकड़ लीजिए बाय रोड। तो मैंने ऑलरेडी कैब इसके लिए बुक की हुई है एंड उन्होंने मुझे चार्ज किया है अराउंड 1800 के करीब चार्ज किया फॉर अ राउंड ट्रिप। मुझे फिर से होटल में ही छोड़ देंगे ये। सो ऐसा है, हाँ, ये समथिंग अबाउट आरएसपुरा। तो ये जो आरएसपुरा बॉर्डर है, जिसे ऑक्ट्रॉय बॉर्डर भी कहते हैं, ये हमारे प्री इंडिपेंडेंस में, जैसे 1947 से पहले ट्रक्स यहाँ से पाकिस्तान की ओर और पाकिस्तान से इंडिया की ओर, उस ज़माने में तो ये एक ही कंट्री थी, इंडिया पाकिस्तान, जिसे ब्रिटिश इंडिया के अंडर थे हम सब। तो बॉर्डर आज इसके समय आप बॉर्डर बन गया है वहाँ पर 1947 के पार्टीशन में, बट पहले तो हम सब एक ही कंट्री थे। तो यहाँ से जो लॉर्ड रिपन के ज़माने में, दैट इज़ जब भी ऑक्ट्रॉय वगैरह इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये पोस्ट में चुंगी या ऑक्ट्रॉय वो लेते थे। सो दैट इज़ द रीज़न दिस वॉज नोन एज ऑक्ट्रॉय पोस्ट। तो यहाँ से जैसे एक इंडिया टू पाकिस्तान साइड में इधर से सियालकोट नाम का एक शहर है जो कि 11 किलोमीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर है, अप्रॉक्सीमेटली 11 टू 13 किलोमीटर्स के करीब ये सियालकोट पड़ेगा। तो ट्रक्स यहाँ से वहाँ, जिस शुगर केन है, तो आरएसपुरा में देर वॉज अ शुगर फैक्ट्री, तो शुगर केन वगैरह लेकर आते थे वो बॉर्डर के उस पार से, उस पार से और यहाँ से भी लेके आते थे, जो शुगर फैक्ट्री। सो दैट इज़ वाई आरएसपुरा वॉज फेमस इन दोज टाइम्स। तो ऐसा है कि अभी इस समय तो बॉर्डर इन्होंने सील कर दिया है, दैट इज़ पार्टीशन बन चुका है, दो कंट्रीज बन चुकी है, उस तरफ सियालकोट है और इस तरफ जम्मू है। और प्री इंडिपेंडेंस में इवन एक रेलवे लाइन भी थी जो जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन बोलते थे उसे एंड दिस वॉज द ओनली वे पीपल कुड कम इन टू दिस सब कॉन्टिनेंट इन टू इंडिया। तो ये सब एक्चुअली हिस्ट्री है। तो इस समय तो इट इज़ बी नो इट एज आरएसपुरा बॉर्डर और सुचेतगढ़ बॉर्डर।
तो हम वहीं पे जा रहे हैं। एंड दूसरी बात यह है कि आरएसपुरा इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बासमती राइस इन द वर्ल्ड, दैट इज़, तो वो भी हम लेने वाले हैं बासमती राइस। एंड राजमा भी यहाँ पे बहुत फेमस है, जम्मू राजमा इज़ आई मीन एक्सट्रीम बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट क्वालिटी की रहती है एंड इट इज़ वेरी फेमस, तो हम वो भी लेने जा रहे हैं, जम्मू का चावल एंड राजमा। तो ये दोनों अब हमें वही मिल जाएगा सुचेतगढ़ बॉर्डर के पास में, कुछ होलसेल मार्केट है करके मुझे मेरे ड्राइवर ने नॉलेज दिया है, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ले जाइए एंड वी विल गेट दोज थिंग्स। तो ये मेरा प्लान है। तो ऐसा है कि आरएसपुरा जो बॉर्डर है, टिल अ लोकेशन दे अलाउ अस टू टेक अ वीडियो शूट, तो उसके आगे वीडियो शूट अलाउ नहीं करते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस कि दिस इज़ नॉट लाइक अटारी बॉर्डर। ओके, अटारी वाघा जो अमृतसर में है, वहाँ तो ऐसे है कि आप अंदर जाइए, रिट्रीट सेरेमनी, आप वीडियो लीजिए, जो करना है करिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, दिस इज़ अ ये एक जैसे शांत बॉर्डर बोल सकते हैं। रिट्रीट सेरेमनी इन्होंने स्टार्ट की थी अक्टूबर में, बट ड्यू टू कोविड दे हैव स्टॉप्ड द रिट्रीट फ्रॉम बिगिनिंग विद जनवरी सेकेंड वीक से रिट्रीट सेरेमनी स्टॉप की गई है। एंड यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया कि लॉकडाउन स्टार्ट किया इन्होंने, सो देर वॉन्ट बी एनी रिट्रीट, बट वी विल बी ट्राई टू गेट एज क्लोज टू द बॉर्डर एज पॉसिबल। तो यहाँ पे ऐसे होता है कि आप सामने पाकिस्तानीज को देख सकते हो, आप अपने पाकिस्तान भाई बहनों को सामने देख सकते हो, और यहाँ से हम फोटो ले सकते हैं, वहाँ से वो हमारा फ़ोटो लेते हैं। एनीवेज हम दो, क्योंकि दो मुल्क बन चुके हैं इसलिए हम आपको हिंदुस्तानी और उन्हें पाकिस्तानी कहते हैं, बट एनीवेज दिस इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। हम उनके काफ़ी क्लोज तक जाएंगे एंड फोटोग्राफी शायद वो अलाउ करेंगे, बट आज मुझे पता नहीं है, आज मैं वहाँ पे वो भी चेक कर लूँगा और आपको ये जर्नी भी बता दूँगा थ्रू द सुचेतगढ़ बॉर्डर। सो फर्दर मैंने जैसे आपको बताया था, मेरा मेन इंटेंशन था टू हैव अ लुक एट दिस एट द रिट्रीट सेरेमनी, बीटिंग द रिट्रीट, बट ऐसे हो गया कि अभी कोरोना के वजह से, कोरोना ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया है हमारे देश में। सो इवन द सेम थिंग, अभी इवन द रिट्रीट सेरेमनी हैज़ बीन कैंसल्ड एंड वी जस्ट होप कि ये सब जल्दी शुरू हो कि टूरिस्ट आ सके और उसका उसे एंजॉय कर सके उस सेरेमनी को। तो आज की तारीख में तो हम जाएंगे वहाँ पर आरएसपुरा, वी विल शो यू द प्लेस एंड वहाँ के फौजी भाई हमारे जो होते हैं, वी विल ट्राई टू टेक सम गुड फोटोज़ एंड वापस आ जाएंगे। और कैसे भी करके हमें 2 बजे के अंदर आना है, क्योंकि 2 o'clock के बाद जम्मू विल बी लॉकडाउन टिल मंडे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं टू आरएसपुरा बॉर्डर इन जम्मू। नाम है मीरा साहब और ये पड़ता है सुचेतगढ़ की रास्ते पर, रास्ते में पड़ता है।
तो ये हम पहुंच गए अरसपुरा। तो ये है अरसपुरा का गांव एंड यहाँ से हम और निकलेंगे आगे की तरफ। बॉर्डर यहाँ से अराउंड 7 to 8 kilometers और जाना है हमने। तो आप देख लीजिए अरसपुरा, यहाँ से हम और आगे जा रहे हैं। सो दोस्तों, आपका बस यहाँ तक आएगा अरसपुरा, यहाँ से उतरकर आपको दूसरी सवारी लेनी है टुवर्ड्स द बॉर्डर। तो दोस्तों, इस समय हम पहुंच गए हैं ये अरसपुरा बॉर्डर। सो ये आप पीछे देख रहे हैं बॉर्डर लाइन ऑफ डिफेंस। तो आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक फॉग है, सो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, बट जितना दिख रहा है हम आपको दिखा देंगे और आगे चलते हैं। पता नहीं आगे वीडियोग्राफी अलाउड होगा, जो फ़ोटो होगा तो मैं ले लूँगा फ़ोटो। चलिए आगे चलते हैं अरसपुरा बॉर्डर। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे BOP ऑक्ट्रॉय बॉर्डर कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे ऑक्ट्रॉय लेते थे, चुंगी पोस्ट हुआ करती थी ये पहले, प्री इंडिपेंडेंस। सो यहाँ पे है हम फिलहाल अरसपुरा में, अरसपुरा बॉर्डर, दर इज सुचेतगढ़ बॉर्डर बोलते हैं इसे। अरसपुरा इसके आगे का गांव है और इसका नाम सुचेतगढ़ है। तो हम आगे चलते हैं यहाँ से, और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और चलिए, लेट्स गो अहेड। ये जो सामने आप देख पा रहे हो, ये है हमारा जीरो लाइन।
सो दोस्तों इस समय हम सुचेतगढ़ उस बॉर्डर से जस्ट बाहर आए हुए हैं एंड एक एक छोटा सा दुकान है यहाँ पे जस्ट बॉर्डर के पास में जहाँ पर मैंने मिल्क केक ली हुई है एंड काफ़ी बढ़िया है ये, मैंने टेस्ट भी किया है। और जस्ट बॉर्डर के बाहर ये एक छोटा सा मंदिर है, रघुनाथ मंदिर, जहाँ आप आकर माता टेक सकते हैं। एंड ये है उनका सुवेनिर शॉप, ये जो सामने दिख रहा है आपको, दिस इज़ द सुवेनिर शॉप जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी इस समय खुला नहीं है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट। हमारी सो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिंकू दी हटी जो बॉर्डर के जस्ट बाहर ही है, तो यहीं से हमने मिल्क केक ली है एंड इनका मिल्क केक बहुत ही स्वादिष्ट है, आप लोग सब यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं आपको ये ओनर से भी मिला देता हूँ इनसे। नमस्ते जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रिंकू चौधरी है जी, और ये मेरी दुकान है जी। और यहाँ की मिठाई इतनी फेमस है ना, बड़ी दूर दूर तक यहाँ सप्लाई होती है। जी 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 जी, हम तैयार करते हैं इसे, हमारी लोकल लैंग्वेज में पलंग तोड़ बोला जाता है। ओके ओके, यहाँ की ये बड़ी फेमस है जी। और हमारे यहाँ जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मीटिंग होती है ये मिठाई उनको भेंट की जाती है, वो उनकी स्पेशल डिमांड करते हैं कि हमें वो मिठाई वहाँ की चाहिए। अब काफ़ी सालों से है आपकी दुकान चलते रहते हैं, हमारे बुजुर्ग ये काम करते आ रहे हैं मिठाइयों का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ का फेमस है ये मिठाई, कट रहे हैं। तो आपका नाम रिंकू है? रिंकू। तो रिंकू जी थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी मिठाई, और आएंगे मैं और लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच। हमारा ये सुचेतगढ़ जीरो लाइन पे गाँव है। ओके, आपने अक्सर सुना होगा न्यूज में कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ी ज्यादा शेलिंग हुई है जी जी, और जी काफी नुकसान हुआ है सुचेतगढ़ बॉर्डर जी, ये वो बॉर्डर है सुचेतगढ़। ओके ओके, यहाँ पे अक्सर पाकिस्तान फायरिंग करता रहता है, लेकिन अभी दो तीन साल से ठीक ही है। okay. बड़ा नुकसान लोगों को होता है यहाँ पे, जानवरों को, इंसानों को, मकान भी काफी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो फिर कई बार तो यहाँ से हमें छोड़ के जाना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, सिटी में जाके रहते हैं, फिर वहाँ कैंप लग जाते हैं स्कूल में कॉलेज में, वहाँ हम रहना पड़ता है हफ्ता, दो दो हफ्ते, तीन तीन हफ्ते में रहना पड़ता है। जी जी जी, तो जो बॉर्डर लाइन है वो ऐसे जा रहा है, सामने से दिख रहा है, ये साथ साथ ही बॉर्डर है यहाँ से। ओके ओके, जीरो लाइन पे ये पाकिस्तान को फ्लैग भी अभी ये फॉग के कारण दिखाई नहीं देगा। जी जी जी, पाकिस्तान को फ्लैग दिखाई देगा। जी जी जी, और ये है भावत कैंटीन रेस्टोरेंट। ओके ओके ओके, ये मंदिर कॉम्प्लेक्स में है। ओके, रघुनाथ जी मंदिर कॉम्प्लेक्स में। जी जी जी, यहाँ कुछ भी जो बड़ा टेस्टी खाना बनता है, राजमा चावल भी बड़ा टेस्टी बनते हैं यहाँ से। यहाँ के चावल काफ़ी फेमस है ना, चावल यहाँ की लोकल जो हमारी ये फसल है ना वो चावल ही है, बासमती राइस। ओके, वर्ल्ड फेमस है, यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, विदेशों में जाते हैं चावल। ओके, और ये एरिया थोड़ा सा ही एरिया है यहाँ पे अरसपुरा का, यहाँ ये सबसे ज़्यादा और उपजाऊ होती है, बड़ी अच्छी फसल है जी, और अच्छे चावल खाने में टेस्ट भी रहता है। इस पर 1971 में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई थी और पाकिस्तान ने इसके ऊपर गोले फेंके थे, वो दो गोले गिरे थे ऊपर, वो फटे नहीं थे, तो फिर उसके बाद आर्मी वालों ने वो गोले निकाले, वो अभी भी ऊपर निशान दिखाई देते हैं 1971 के युद्ध के, अभी भी निशान दिखाई देते हैं वहाँ पर। बढ़िया जी बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। गुरुदेव उनका वेट कर रहे हैं, मंदिर कितना पुराना मंदिर है जी, जो सिटी जम्मू में मंदिर है उससे पहले बनाया गया मंदिर। ये महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया था, ये 1837 में इसका निर्माण। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये है रघुनाथ जी का मंदिर जो डेडिकेटेड है गॉड राम को, तो चलिए अंदर चलते। सो दोस्तों ये है मेन सैंक्टम
और ये मंदिर की काफ़ी मान्यता है, और ये क्योंकि एकदम बॉर्डर पे लगा हुआ है ये मंदिर। पाकिस्तान साइड से इस तरह की शेलिंग होती रहती है इंडियन साइड में, और जैसे आरसपुरा है, सुचेतगढ़ है, सुचेतगढ़ गांव में इस तरह के शेल्स काफ़ी गिरते हैं एंड काफ़ी लोगों की जान जाती है इसके वजह से। सो कुछ साल पहले भी ऐसे दो शेल्स फायर किए गए थे पाकिस्तान साइड से, और वो इस मंदिर के डोम पर गिरे। ये देखिए, आपको इस डोम का एक फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आपको जो दिख रहा है ऊपर, वो वहीं पर दोनों शेल्स गिरे थे और वो वहीं पर अटक गए थे। वो डिटोनेट नहीं हुए, यानी फटे नहीं वो। तो इसलिए इस मंदिर को माना जाता है कि भगवान राम का हमारे ऊपर और इंडियंस के ऊपर काफ़ी उनका आशीर्वाद है। सो शेल्स को उन्होंने प्रिजर्व की हुई है एंड उन्होंने मुझे भी दिखाया। अब ये देखिए दोस्तों, ये है वो शेल। दिखने में छोटा सा शेल दिख रहा है ये, बट काफ़ी भारी भरकम था ये। अराउंड एटलीस्ट 5 किलो का तो होगा, 5 to 8 kilos का तो एटलीस्ट होगा ये। और ये शेल वही है जो इस मंदिर के डोम पर गिराया था, और इन शेल्स पे प्रॉपरली इन्होंने इंस्क्राइब किया हुआ है SOF, यानी कि सियालकोट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो आगे मैंने पुजारी जी से भी बात की थी और उन्होंने भी सेम मुझे बताया था। तो चलिए हम आगे उनसे भेंट करते हैं। सो दोस्तों, हमारे साथ पंडित जी है इस मंदिर रघुनाथ जी के मंदिर में, और हम इनसे कुछ जान लेते हैं इस मंदिर के बारे में। तो पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, कुछ बता सकते हैं आप मंदिर के बारे में? हाँ सर जी, मंदिर 1837 को जो बना था सर, ये हमारे जम्मू के जो पहले राजा बने थे जी, महाराज गुलाब सिंह, उन्होंने सबसे पहला मंदिर यही बनवाया था, जहाँ से हमारा जम्मू कश्मीर शुरू होता था और जहाँ से नीचे पंजाब शुरू होता था। जब महाराज जीत सिंह का इलाका था, लाहौर गद्दी थी जिनकी, जी, 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 तो वो कहते हैं कि जो हमारा जो महाराज गुलाब सिंह को राज तिलक भी महाराज जीत सिंह ने दिया था, 1822 को उनको राज तिलक मिला था और 1837 को सबसे पहला मंदिर यही बनाया था जहाँ हम खड़े हैं। ओके जी। पहले ये जब पूरे जम्मू कश्मीर का राजा बनाया था महाराज गुलाब सिंह को, तो जहाँ से फिर मंदिर बनते बनते सर जम्मू पहुँचे थे, जहाँ से आरसपुरा बना था, आरसपुरा के बाद फिर आगे मीरा साहब बना, मीरा साहब के बाद एक एयरपोर्ट बना, एयरपोर्ट के बाद आगे रघुनाथ जी मंदिर का निर्माण हुआ था। और सर कहते हैं जब ये शाम को जो आरती शुरू करते थे इस मंदिर में, तो जो शंख बजाते थे पुजारी, वो तो शंख की जो ध्वनि है सर, वो एक दूसरे को सुनाई देती थी। जहाँ से शंख, जो आज भी कोई अगर शंख बजाने वाला हो कोई, तो 4-5 kilometers आज भी बाहर पहुंच जाता है। तो वो उस टाइम तो सर कहते हैं शांत माहौल थे, वातावरण शांत था, इतना शोर शराबा नहीं था। तो कहते हैं जब जहाँ शंख पहुंचता था तो आरसपुरा पहुंचता था, आरसपुरा वाले मीरा साहब वाले एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट वाले रघुनाथ जी मंदिर पहुंचते थे। तो फिर कहते हैं आरती शुरू होती थी इस तरह ऐसे थे। ये मंदिर की बड़ी मान्यता है, बहुत ज्यादा मान्यता सर। 1971 में तो बोले गिरे थे ऊपर, तो बोले फटे नहीं थे। तो गोले जब बाहर निकालने लगे ना, तो साथ में सारी ईंटें गिर गई थी और एक गोला भी नीचे गिरा था। ओके, ओके। और नीचे वहाँ आगे गोला भी गिरा था और ईंटें सारी की सारी लक्ष्मण के ऊपर गिर गई थी। ओके। और लक्ष्मण की मूर्ति खंडित होने की वजह से बाद में फिर ये तीनों मूर्ति चेंज कर दिया था। और जब ये नई मूर्ति की स्थापना हुई थी, आगे उनकी पोतरे हैं हमारे डॉक्टर करण सिंह जी, हमारे वो आए थे जब ये मूर्ति स्थापना हुई थी 1986 को, ये दोबारा मूर्ति की स्थापना हुई थी। तो ये 1837 की रेगुलर पूजा जी सुबह शाम होती आ रही है और आज तक भी हो रही है, आगे भी होती रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद रहेगा हम सबका। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, 100% आशीर्वाद है जी, उनका आशीर्वाद है तो हम भगत थोड़ी कर रहे हैं सर। जी जी, जी। जे दुआ सर जी, तो चलो चलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा, मुलाकात होगी सर, बहुत बढ़िया सर, जरूर होगी सर। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने देखा ये मंदिर, आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा, बड़ी मान्यता वाली मंदिर है ये। और ये है, इस मंदिर है ठीक आरसपुरा बॉर्डर के बाहर। चलिए, साइनिंग ऑफ फ्रॉम आरसपुरा बॉर्डर बैक टू जम्मू सिटी। Support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share,
लाइक एंड कमेंट।